अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ना सिर्फ एक अजीम बल्लेबाज हैं बल्कि वो एक जबरदस्त फील्डर भी हैं। कई मैचेस के दौरान उन्होंने अहम मौके पर कैचेस पकड़कर और रन आउट करके अपनी टीम को फतह दिलवाई। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबर आजम के 7 बेहतरीन कैचेस दिखाएंगे जिन्होंने शायकीने क्रिकेट को हैरान कर दिया। जो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एट नंबर 1, दोस्तों एक मैच में जब बाबर आजम बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और ग्रीज पर मार्क स्टोनिक मौजूद थे, इसी दौरान मार्क स्टोनिक ने एक जोरदार छक्का मारा जो बदकिस्मती से बाउंड्री लाइन पर खड़े बाबर आजम ने कैच कर लिया। कैच बाबर आजम की महारत को शो करता है। एट नंबर 2, पाकिस्तान सुपर लीग में एक मैच जो कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडियर्स के दरमियान खेला जा रहा था, इस मैच में बल्लेबाज ने एक जोरदार शॉट खेला जो तकरीबन छक्का था, मगर अपने बॉबी भाई ने कमाल महारत से उसको कैच करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो कैच ड्रॉप हो गया, मगर बाबर आजम ने छक्का नहीं लगने दिया। एट नंबर 3, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में जब मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी कर रहे थे तो सिली पॉइंट पर बाबर आजम हेलमेट पहने फील्डिंग कर रहे थे। जब मिचेल स्टार्क ने गेंद को रोका तो बाबर आजम ने कमाल महारत से डाइव लगाकर इसको कैच कर लिया। यू मिचेल स्टार्क आउट होकर पवेलियन जाने पर मजबूर हो गए। एट नंबर 4, पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में शादाब खान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और खूब चौके छक्के लगा रहे थे, ऐसे ही ग्रीस जॉर्डन की एक बॉल पर ऑफ साइड पर शादाब खान ने एक जोरदार कोल ड्राइव खेला जो बाबर आजम ने लेफ्ट साइड से ड्राइव लगाकर एक खूबसूरत कैच पकड़ा। उस दिन तो यूं लग रहा था कि बाबर आजम में जॉन्टी रोडर्स की रूह आ गई हो। एट नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में जब बाबर आजम स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे तो बहुत एक्टिव होकर मुखालिफ बल्लेबाजों को टफ टाइम दे रहे थे। बल्लेबाजी के लिए उस्मान ख्वाजा ग्रीस पर मौजूद थे, जब स्पिनर ने बॉल की तो वो बॉल उस्मान ख्वाजा के बल्ले को छूती हुई बाबर आजम के करीब से गुजरी, इसी दौरान बाबर आजम ने डाइव लगाकर एक खूबसूरत कैच पकड़ लिया। एट नंबर 6, दोस्तों ये बात है नेशनल टी20 कप की एक मैच की जब फखर जमान अपने फुल फॉर्म में थे, इसी दौरान एक स्पिन बॉल पर फखर जमान ने जोरदार शॉट खेली जो बाउंड्री की तरफ जाने की बजाय बहुत ऊपर चली गई, इसी दौरान बाबर आजम ने दौड़ लगाकर एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। एट नंबर 7, दोस्तों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक मैच में जब किंग बल्लेबाजी कर रहे थे तो बाबर आजम ऑफ साइड पर फील्डिंग कर रहे थे, इसी दौरान किंग ने एक जोरदार कोल ड्राइव खेला जो बाबर आजम ने कैच कर लिया।